हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल CG जॉब अपडेट में। इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के अंतर्गत, जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, ठीक है, कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर ऑफिस में आदिवासी विकास शाखा के अंतर्गत आपको कुल 9 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पद जो है कुल 9 पद हैं, जिसमें आपको 5वीं पास, 8वीं पास और 10वीं और 12वीं पास के लिए यहां पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए रेगुलर पद पर भर्ती किया जाना है, ठीक है। तो कार्यालय कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पर गौरेला पिंडरा मरवाही के अंतर्गत आवेदन जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको करने होंगे। अंतिम तिथि जो है आपको 25/5 यानी कि 25 मई तक आपको आवेदन करने होंगे। पता रहेगा कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला गौरेला पिंडरा मरवाही, ठीक है। इस पे कौन कौन से पद, इस पे बारे बात करते हैं। सबसे पहले एक तो शीघ्र लेखन ग्रेड 3, ठीक है, इसमें एक पद है, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका 4 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद है, वाहन चालक के 1 पद है और भृत्य चपरासी प्यून 2 पद हैं, ठीक है। रेगुलर पद पर भर्ती किया जाना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यहां पर होना अनिवार्य है और चयन प्रक्रिया जो है आपको लिखित परीक्षा या फिर आपका कौशल परीक्षा के द्वारा यहां पर होगा, ठीक है। तो वेतन वगैरह योग्यता के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले शीघ्र लेखन ग्रेड 3 के लिए लेवल 7 का जॉब रहेगा। वेतन आपको 2800 ग्रेड पे, बेसिक आपका 5200 से 20200 रहेगा। योग्यता आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में यहाँ पर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ किसी भी विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रथम वर्ष में आपका स्नातक भी होगा तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन में यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए आपका परीक्षा और 100 शब्द प्रति मिनट की गति आपका होना चाहिए, ठीक है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पर आपका या फिर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, जिसमें से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड के लिए कौशल परीक्षा आपको लिया जाएगा। अगला जो पद है सहायक ग्रेड 3 के लिए लेवल 4 का जॉब रहेगा। 1900 ग्रेड पे, बेसिक वेतन सेम रहेगा, 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। स्नातक भी कंप्लीट किए होंगे तो आवेदन कर सकते हैं प्रथम वर्ष के। कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, इसमें जो है डाटा एंट्री में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के लिए आपको कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, लेवल 5 का जॉब है, 2200 ग्रेड पे, बेसिक वेतन सेम रहेगा, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, इसमें भी सेम योग्यता रहेगा इसमें भी, बट इसमें जो है 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की कौशल परीक्षा आपको लिया जाएगा और जिनके पास अनुभव होगा उनको यहाँ पर पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अगला जो पद है यहाँ पर वाहन चालक के लिए लेवल 4 का जॉब है, 1900 ग्रेड पे, बेसिक सेम रहेगा, ठीक है। केवल और केवल 8वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर संबंधित यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीकल का अनुभव होगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम जो पद है आपका भृत्य के लिए लेवल 1 का जॉब रहेगा, 1300 ग्रेड पे, बेसिक वेतन 4,750 रुपये से 7,440 रुपये। योग्यता केवल और केवल 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी अनुभव का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आयु सीमा आपको दिया गया है यहाँ पर पद क्रमांक 1 से लेकर 3 तक के लिए आपको कौशल परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो पद हैं यहाँ पर चौथा पद, उसके लिए आपको वाहन चालक और भृत्य के लिए, उसके लिए कोई भी आपको परीक्षा नहीं लिया जाएगा, मेरिट के आधार पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी है उसके थ्रू यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन वगैरह, ये सभी दस्तावेज कम्प्लीट होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर जिले की वेबसाइट में जाकर आपको विजिट करना है आपका PDF के लिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने हैं, अंतिम तिथि मैं बता दिया हूँ 26 मई तक आवेदन करने हैं, ठीक है। तो जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी आवेदन कर देंगे, और इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।